dear students in last module we talked about the uh, linear regression what is a linear regression when we conduct linear regression and how do we conduct linear regression now we are going to do an exercise of simple linear regression on spss software let's see how do we conduct this test on spss software students uh, i have one data set in which there are different variables like online bridging social capital, offline bridging set, uh, social capital, uh, online bonding social capital, offline bonding social capital, online swig participation, offline swig participation. Now I am interested to see the uh, 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 the relationship between uh, motivation to use social media with the. वन ऑफ़ द टाइप ऑफ द सोशल कैपिटल तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट मोटिशन हैं टू यूज सोशल मीडिया जैसे मेक न्यू सोशल टाइज मेंटेन सोशल टाइज सीकिंग एंड शेयरिंग इन्फॉर्मेशन तो हम मेक न्यू सोशल टाइप का रिलेशनशिप देखते हैं ऑनलाइन ब्रिजिंग सोशल कैपिटल और ऑफ ब्रिजिंग सोशल कैपिटल के साथ रिस्पेक्टिवली तो हम रिग्रेस में जाएंगे एनालाइज से यहाँ पर आप लीनियर पर आएँगे और लीनियर में आने के बाद यहाँ पर आप जो है अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल सेलेक्ट करेंगे मेक न्यू सोशल टाइज और डिपेंडेंट में आप ऑनलाइन ब्रिजिंग सोशल कैपिटल सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आप एस्टीमेट्स मॉडल फिट और प्लॉट्स में हिस्टोग्राम और नॉर्मल प्रोबेबिलिटी प्लॉट जो है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे और इसके साथ कंटिन्यू करके आप इसको ओके okay कर देंगे तो यहाँ पर हम देखें हमारे पास मॉडल समरी आ गई है आर हमारे पास यानी जो हमारा प्रेडिक्टर है इसका रिलेशनशिप ब्रिजिंग सोशल कैपिटल के साथ पॉइंट फाइव फोर फोर है ये वो पियर सन आ रही है अगर हम इसका स्केयर लें तो ये पॉइंट टू नाइन सिक्स बनता है और अगर हम इसमें, इसमें इसको एडजस्ट भी कर लें विद स्टैंडर्ड एस्टिमेट तो तब भी ये पॉइंट टू नाइन सिक्स बनता है आ, हमें अनोवा का टेबल बता रहा है कि एफ़ वैल्यू हमारी सिग्निफिकेंट है इसलिए ये मॉडल फिट है और इसी के साथ हमारे पास यहाँ पर कॉफिशेंट्स देखें तो कांस्टेंट जो है हमारे पास थर्टीन पॉइंट फोर नाइन नाइन है और मेक न्यू सोशल टाइस का हमारे पास जो स्टैंडर्डाइज कॉफिशेंट है वो पॉइंट फाइव फोर फोर ही है जो यहाँ पे आर का था और ये दोनों काफिशेंट्स सिग्निफिकेंट है इसके साथ अगर हम चार्ट्स देखें तो डेटा इज़ आइडली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हमारा नॉर्मल का बड़ा बेहतरीन बना है इसके लिए और हमारी लाइन भी जो देखें तो वो बड़ी परफेक्ट लीनियर लाइन है तो इससे ये साबित होता है कि uh, जो uh, लोग सोशल uh, मीडिया का इस्तेमाल करते हैं फॉर मेकिंग न्यू सोशल टाइज दे पोजेस ऑनलाइन ब्रिजिंग सोशल कैपिटल अब हम इसी वेरिएबल का एक और uh, जो है टाइप है ऑन सोशल कैपिटल की जिसको हम ऑफलाइन ब्रिजिंग सोशल कैपिटल कहते हैं उसके साथ देख लेते हैं ओके okay करेंगे तो यहाँ पर आर uh, स्केयर जो है वो देखें पॉइंट ज़ीरो नाइन सेवन है तो ऑनलाइन में तो ये जो था आपका आर जो पॉइंट uh, स्केयर uh, uh, जो पॉइंट टू नाइन सिक्स था और यहाँ पर ये आर की वैल्यू काफ़ी कम आई है पॉइंट ज़ीरो नाइन सेवन आई है और जो मॉडल फिट देखते हैं तो नोवा की वैल्यू जो एफ़ वैल्यू है वो सिग्निफिकेंट है तो ये रिलेशनशिप डज एग्जिस्ट और यहाँ पर स्टैंडर्डाइज कोफिशेंट हमारे पास आर जो है वो पॉइंट थ्री वन वन है और कॉन्सटेंट और मेक न्यू सोशल टाइज जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है दोनों की वैल्यू सिग्निफिकेंटली जो है सिग्निफिकेंट है यहाँ पर हमारी ये देखें जो नॉर्मल कर्व है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब है यानी थोड़ा सा इसकी नॉर्मल शेप नहीं है और हमारी लीनियर लाइन line भी जो है वो थोड़ी सी आइडली फिट नहीं है तो इस वजह से आर की वैल्यू भी थोड़ी सी आर स्केयर की वैल्यू भी हमारे पास थोड़ी सी कम आई है पर रिलेशनशिप ये एग्जिस्ट करता है एक वीक रिलेशनशिप है पर एग्ज़िस्ट करता है तो ये हमने जो है एस पी एस एस पे दो दफ़ा टेस्ट कंडक्ट करके देख लिया है कि लीनियर रिलेशनशिप को आ, इन रेग्रेशन हम सिंपल लीनियर रेग्रेशन से कैसे कंडक्ट करते हैं